हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल की नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के वेबसाइट पर। फर्स्ट वाला जो लिंक है दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बिहार पुलिस। इसमें दोस्तों आप तो देखिए दोस्तों, 23/6/2020 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ लेडी कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन। ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है न्यू करके, इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करके और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके ठीक ऊपर 23/6/2020 को दोस्तों आपको एक फिर नया नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस स्वाभिमान बटालियन। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस बिहार पुलिस लेडीज कांस्टेबल की भर्ती बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन के तरफ से की जा रही है दोस्तों। सबसे फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी में कुल पद जो है 454 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, महिला कांस्टेबल की जो वेतन है वो होगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभिक तिथि है दोस्तों 24/6/2020 और अंतिम तिथि है दोस्तों 24/7/2020। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बिहार का अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट होना आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, कैंडिडेट को ऑनलाइन चार्ज दोस्तों 112 रुपये जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको पूरी डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, महिला कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया जो होगी दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ली जाएगी दोस्तों। इस परीक्षा में दोस्तों सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको दौड़ना पड़ेगा और फिर गोला फेंकना पड़ेगा और फिर ऊंची कूद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका मेरिट बनाया जाएगा। महिला कांस्टेबल में दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना आवश्यक है, चाहे दोस्तों वो बिहार बोर्ड से पास हो या मदरसा बोर्ड से पास हो या फिर संस्कृत बोर्ड से पास हो। दोस्तों बिहार के किसी भी बोर्ड से पास हो वो सब वैलिड है इसमें। इस भर्ती के लिए दोस्तों कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि दोस्तों 1/1/2020 के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा दोस्तों, टोटली 100 अंक के होंगे, जिसमें से दोस्तों आपको दौड़ 50 अंक का होगा, जो कि 1 किलोमीटर अधिकतम आपको 5 मिनट में तय करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर है गोला फेंकना, ये देखिए दोस्तों जो आपको 25 अंक का होगा, इसमें आपको दोस्तों 12 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको 12 फीट फेंकना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे है ऊंची कूद दोस्तों, ऊंची कूद ये आपको 25 अंक के होंगे, जिसमें से आपको न्यूनतम 3 फीट ऊंचा कूदना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।